सो गुरु लोग, डंकी मूवी की स्टोरी आपको पता है काफी अच्छी है, लेकिन आपको पता है डंकी मूवी का ऑफिशियल कलेक्शन भी काफी अच्छा है। मतलब जिस प्रकार से मूवी को हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी, जहाँ पे हमने पठान जवान को जवान की तरह इस मूवी को ट्रेड नहीं किया था, हमने सिर्फ राजकुमार हिरानी की जैसी मूवीज होती है, जैसे हमने पीके देखी थी, थ्री इडियट्स देखी थी, मुना भाई एमबीबीएस देखी थी, संजू देखी थी, उस हिसाब से हमने इस मूवी के बारे में सोचा था। एंड ये बात मतलब बिल्कुल सच है, इस मूवी ने अभी तक 300 करोड़ का कलेक्शन भी कम्प्लीट नहीं किया है। जहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर इस मूवी ने फर्स्ट डे 29 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं पे सेकंड डे इस मूवी ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए कमाए थे, थर्ड डे इस मूवी ने 25 करोड़ रुपए कमाए थे, चौथे दिन भी इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए कमाए थे, पांचवे दिन संडे के दिन क्रिसमस था मतलब छुट्टियां थी, तो 24 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब अब लिटरली इसका जो कलेक्शन है वो गिर रहा है। वहीं पे इस मूवी ने मतलब कल छठे दिन भी इस मूवी ने 11 करोड़ रुपए कमाए। एंड मैं कहूंगा ये पठान एंड जवान से काफी कम आंकड़ा है, मतलब जिस प्रकार से उस मूवी ने कमाया था काफी कम है। लेकिन हाँ ठीक है, जिस प्रकार से राजकुमार हिरानी की मूवीज के साथ में होता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इंडिया से काफी कम आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर इस मूवी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने फर्स्ट डे 58 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं पे सेकंड डे पे 45 करोड़, थर्ड डे पे 53 करोड़, फोर्थ डे पे 53 करोड़ ही कमाए थे। मतलब काफी हद तक अच्छा गई थी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो। एंड अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 26 करोड़ इस मूवी ने मतलब छठे दिन कमा के एक अच्छा इतिहास रख दिया। जहाँ पे छठे दिन इंडिया से तो काफी कम आया था, मतलब 11 करोड़ ही आया था, लेकिन बाहर से काफी अच्छा आ रहा था, 14 करोड़ रुपए इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड इंडिया से हटा के बाहर के देशों से कमाई की थी। तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 283 करोड़ रुपए कमा लिए, एंड काफी अच्छा है। मतलब अब भी 300 करोड़ का मतलब क्राइटेरिया तो नहीं अचूक कर पाई, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। मतलब 283 करोड़ किसी मूवी के लिए कमाना आजकल सुपरहिट ही माना जाता है उस मूवी को, एंड इस मूवी ने वो क्राइटेरिया कम्प्लीट किया, तो मतलब काफी अच्छा है। बाकी इस मूवी की स्टोरी भी काफी अच्छी है, जहाँ पे हमने अलग अलग क्रिएटर की बात करें तो मेन हमारे शाहरुख खान का एक्टिंग मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग इस मूवी के अंदर है। जिस प्रकार से उसकी अलग अलग एज ग्रुप दिखाई गई है, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है, जिस प्रकार से होना चाहिए था एक मैं कहूंगा बहुत ही मतलब काफी वाकई काबिल तारीफ एक्टिंग की है। साथ में तापसी पन्नू की बताऊं तो उस बंदी का तो मतलब क्या ही कहना लाइक इस मूवी के अंदर इमोशनली अगर अटैचमेंट की बात करें तो वो मैं कहूंगा तापसी पन्नू ही है। बाकी उसके साथ विकी कौशल भी, उस बंदे का 10 मिनट का कैमियो था, मैं कहूंगा 10 मिनट का कैमियो, 10 मिनट के कैमियो में उस बंदे ने दिल जीत लिया। मैं लिटरली उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकूंगा, 10 मिनट के अंदर काफी अच्छा एंटरटेन किया, काफी अच्छा मजा आया उसकी, जिस प्रकार से उसको जिस प्रकार से मूवी के अंदर प्रेजेंट किया था भाई काफी। वहीं पे हमारे सुनील ग्रोवर के भाई, उसने भी काफी अच्छा किया, मतलब भाई लिटरली मैं कहूंगा उस बंदे की एक्टिंग जबरदस्त। वहीं पे वो हमारे पाजी भी काफी अच्छी थी, एंड सपोर्टिंग कास्ट सारी की सारी बहुत अच्छी थी, मैं कहूंगा सभी का काम बहुत अच्छा था, काफी मजा आया इसको देख के। एंड लिटरली ये मूवी आपको जरूर जाके देखनी चाहिए, विद फैमिली देखनी चाहिए, एंड अगर आप 15 साल से लेके 25 साल 30 साल के हो तो आपको ये मूवी जरूर 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 देखनी चाहिए। एंड अगर आप पंजाब साइड एंड गुजरात साइड जहाँ पे डंकी मारने का काम ज्यादा होता है वहाँ के हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक तो होता है ना मेहनत से किसी दूसरे देश के अंदर जाके जॉब करना, और एक होता है कि मतलब डंकी मार के वहाँ जाना और वहाँ की गटर साफ करना, वहाँ पे पोछे लगाना, भीख मांगना, वो मतलब आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। भले ही आप कहीं पे भी जाओ आप इंडिया का नाम रोशन करना, मैं यही कहूंगा। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी, मैं कहूंगा मेरे को काफी अच्छी लगी ये मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है शाहरुख खान के करियर की आफ्टर द DDLJ। बाकी मिलते हैं चले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।